मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। ये पेड कोर्स का PDF है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे, 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। क्वेश्चन नंबर तीन देखेंगे, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ये शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता का था। क्वेश्चन नंबर है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मतलब ओरिजिनल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका नाम था। अगला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 क्रांति में तटस्थ रहे। उसके बाद है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने किया था। बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? मतलब कुंवर सिंह का मृत्यु कब हो गई थी? 9 मई 1858 को। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई है? ये 1 जनवरी 1857 में शामिल की गई थी। अगला है, कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ये पील आयोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पील आयोग का नव संगठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? ये मिर्जा गालिब जी हैं जो देखे थे। अगला क्वेश्चन है, कौन 1857 विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो ये कुंवर सिंह थे। 1857 का के नेतृत्व का बिहार में किसने किया? तो ये कुंवर सिंह ने किए थे बिहार से। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसमें ब्रिटेन का प्रधानी लॉर्ड पामर्स्टन थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये तात्या टोपे को उसके मित्र द्वारा धोखा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ये चित्तौड़ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोहों का सैन्य नेतृत्व किसने दिल्ली से कौन किया था? ये बख्त खां। कौन थे? बख्त खां। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद से एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने? बेंजामिन डिजरेली ने दिया था। ठीक है, अगला है, 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा, यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित था? ये BD सावरकर थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे, ये सिख, गोरखा और पठान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया? सबसे कमजोर कड़ी के रूप में कौन थे? ये बहादुर शाह थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेज दिया गया? ये रंगून भेज दिया गया। ठीक है, और कुछ यहाँ देख लेते हैं, 1857 विद्रोह के समय जो अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग तरह से देखे, जैसे 1857 की क्रांति में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया मत, ये या राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? ये राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? ये डिजरेली ने कहा था। यह सैनिक विद्रोह, यह सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सीले और लॉरेंस ने कहा था। या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये BD सावरकर ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, ये किसने कहा था? जेम्स आउट्रम ने कहा था। अगला क्वेश्चन, ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध था, तो ये रिज ने कहा था। यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध है, ये किसने कहा था? TR होम्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, या ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था? RC मजुमदार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। या जन क्रांति था, ये किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पुस्तक 1857 क्रांति विभिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया कुछ पुस्तक के बारे में जान जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, 1857 सुरेंद्रनाथ सिंह, मौलाना अबुल कलाम। दूसरा है, महान विद्रोह, ये कौन थे? अशोक मेहता ने। 1857 का विद्रोह PC जोशी ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम BD सावरकर ने लिखा था। अगला, प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह BD सावरकर, और 1857 विद्रोह और सैनिक विद्रोह RC मजुमदार ने लिखा था। ठीक है, तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे ये है, वह कौन सा
वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था, वह कौन सा ब्रिटिश सेना जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण कैंपेन निभाई थी 1857 की क्रांति का। देखिए यहाँ चित्र है, क्या है चित्र, क्या निश्चित किया गया था, कमल और चपाती, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महारानी विक्टोरिया भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई, तो ये 1 नवंबर 1858 को। अगला क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था, कहाँ से किया था, गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, थे सरकारी इतिहासकार कौन था, थे एस एन सेन थे। मंगल पांडे कहाँ जुड़े थे, ये बैरकपुर से। आधुनिक इतिहासकार जिसने विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन कहा था, बी डी सावरकर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरठ, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को, याद रखिएगा, ठीक है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ये मेरठ से हुआ था। तत्कालीन कारण क्या था विद्रोह का, ये चर्बी वाले कारतूस था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया, तो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे थे। कहता है एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल जो है कब शामिल किया गया था, दिसंबर 1856 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण घटना के बाद, किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया, तो ये 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल कर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चला गया था, 1857 क्रांति। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित किससे, ये 14वीं नेटिव इन्फेंट्री से शामिल थे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत का नेतृत्व कहाँ से किए थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल किए थे। 1857 विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल होने का मुख्य कारण क्या था, किसी समान संगठन की कमी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा की थी, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने षड्यंत्र की सूचना दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग ने 1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया, ये साहूकार और जमींदार वर्ग ने शामिल नहीं हुआ, ये 1857, ये काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुखिया, लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। गुडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था, कोल्हापुर, ठीक है। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, खान बहादुर ने किया था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था, ये भगत सिंह भाग नहीं लिए थे, उसमें भगत सिंह थे भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 अंग्रेजों से संघर्ष किया था, शहादत खान ने किया था, ठीक है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ये मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग नाम था, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव।